करना चाहें समय का पुष्पान कर सकते हैं। करेमि भन्ते सामा इयम सावजम जोगम पच्चखामि जान्यमम मुहूर्तम एकम पज्वासामि दुविहम तिविहनम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कैसा तस्स भन्ते परिक माम इंदामि गरिहामि अपानम वो सिरामि। एक समय काल मानता पांच आस्त्र 18 पाप 6 पाय सेवन करने का त्याग है। घड़ी स्वयं देख लें, आपको स्वयं को पारना है। और संवर का पचकान करना चाहें देवगुरु धर्म की साक्षी से, समय सीमा स्वयं निर्धारित कर लें। निर्धारित समय सीमा अनुसार पांच आसरा 18 पाप सेवन करने का त्याग है। 40 लगभग आधे घंटे तक यथासंभव जो विहार का तिविहार का जैसी धारणा त्याग है। यथासंभव आपस में बोलने का त्याग है। ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उसी आसन का चुनाव। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे, मन शांत, शरीर को स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। केवल आते जाते श्वास को देखें, जितना ढीला शरीर को छोड़ सकते हैं। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल शिथिल शिथिल। रिलैक्स, अब चित्त को ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र पर पूर्णिमा के चांद की कल्पना, मानव पूर्णिमा का चांद ललाट पर उदित है, उसकी सफेद रश्मियां चारों तरफ फैल रही है। संदेश निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। मानसिक संकल्प, हे सिद्ध मुझे चंद्रमा से भी अधिक निर्मलता प्रदान करें। संदेश निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु।
चित्त को। दोनों भ्रिकुटियों का मध्य भाग दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। दर्शन केंद्र पर उगते हुए सूर्य की कल्पना। मानो बाल सूर्य उदित है, चमकता हुआ अरुण रंग। आई चेसु अहियं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आई चेसु अहियं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे सिद्ध, मुझे सूर्य से भी अधिक तेजस्विता प्रदान करें। चित्त को कंठ पर केंद्रित करें। कंठ पर समुद्र की सागर की कल्पना। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नीले रंग के साथ सागर की कल्पना। हे सिद्ध, मुझे सागर से भी अधिक गंभीरता प्रदान करें। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदी सुनिम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आई चेसु अहियं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मेरे भीतर चंद्रमा से अधिक निर्मलता, सूर्य से अधिक तेजस्विता, सागर से अधिक गंभीरता। दो तीन लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। लज्जा दया संयम बम्भचेरम कल्याणे भागिस विसोहिथाणम। जे मे गुरु सयम अनुशासयन्ति देहं गुरु सयम पूयामि। देहं गुरु सयम पूयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, उपासक दशाओं का प्रसंग चल रहा है। प्रथम अध्ययन आनंद श्रावक के जीवन चरित्र का चित्रण हम चर्चा कर रहे हैं। 12 व्रतों की चर्चा कर चुके हैं। आनंद श्रावक 12 व्रतों को भगवान से स्वीकार कर चुका है। अब आगे के सूत्र में लगभग 43 सूत्रों की चर्चा हो चुकी है। आज हम 44 सूत्र से आगे की चर्चा करेंगे। तो 44वें सूत्र में संलेखना के अतिचारों का निर्देश दिया जा रहा है। संलेखना, संलेखना यानी तपस्या का वह अनुष्ठान जिसके द्वारा
शरीर और कसाईयों को कृश किया जाता है। और वैसे जैन दर्शन में संलेखना संथारा की साथ जीवन यात्रा के समापन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वह व्यक्ति धन्य और कृतार्थ कहलाता है जो अनशन पूर्वक समाधि मरण का वरण करता है। तो शरीर को कृश करना दो चीज है, द्रव्य संलेखना और भाव संलेखना। शरीर को कृश करना ये द्रव्य संलेखना है और कसायों को कृश करना ये भाव संलेखना है। एक शब्द का प्रयोग आता है अपश्चिम मारणांतिक संलेखना। अपश्चिम मारणांतिक यानी मरण के अंत तक संलेखना की आराधना। तो ये जीवन के संध्या काल में की जाती है यानी अंतिम समय में, और मृत्यु के क्षण तक ये चलती रहती है। अनशन उसका अंतिम रूप है, संलेखना पहले से कर सकते हैं और अनशन उसका अंतिम रूप है। अनशन से पूर्व की जाने वाली तपस्या को संलेखना कहते हैं। तो अनशन को देह निर्ममत्व या अभय की साधना का विशिष्ट प्रकार भी कहा जा सकता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल आत्मशोधन की ही भावना रहती है। भगवान ने संलेखना के भी पांच अतिचारों की बात बता रहे हैं। पांच अतिचार, इह लोगा संसप्प ओगे, इह लोक अर्थात मनुष्य लोक संबंधी सुखों की इच्छा करना। सभी को पता है तपस्या से व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त होता है। अब ये कामना करना कि मैं ये संलेखना कर रहा हूं किसके लिए, जन्मांतर में मैं चक्रवर्ती बनूं, सम्राट बनूं, राजा बनूं, मंत्री बनूं, इस प्रकार की आशंसा से आकांक्षा से संलेखना करना ये अतिचार के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा बताया परलोगा संसप्प ओगे, परलोक अर्थात देवलोक संबंधी सुखों की अभिलाषा करना। जैसे जन्मांतर में मैं इंद्र बनूं और कोई रिद्धि संपन्न देवता बनूं। तीसरा अतिचार बताया गया जीविया संसप्प ओगे, दीर्घ काल तक जीवित रहने की अभिलाषा करना। अब जैसे मान लीजिए संलेखना संधारा किए हैं, उस समय स्वाभाविक है प्रभावना होती है, प्रशंसा होती है। अब उस प्रभावना और प्रशंसा से प्रभावित होकर ये फिकल पाना कि मेरा संधारा लंबा चले और अधिक प्रभावना होगी, लोग और अधिक प्रशंसा करेंगे, इस प्रकार का जो भाव आकर भावना आनी ये भी अतिचार के अंतर्गत आ जाता है। और चौथा बताया काम भोगा संसप्पोगे, निरंतर यह चिंतन करते रहना मुझे मनुष्य संबंधी अथवा देव संबंधी काम भोगों की उपलब्धि हो तो अच्छा रहे, ऐसा सोचना ये अतिचार के अंतर्गत आता है। और पांचवी बात बताई मरणा संसप्पोगे, जल्दी मरण की वांछा करना, ये भी अतिचार के अंतर्गत आता है। मूल बात है सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को समाधि मृत्यु की आराधना करनी चाहिए। और जब तक राग द्वेष कम नहीं होगा, व्यक्ति आत्मनिष्ठ नहीं होगा, उसके बिना न मोह कम होगा न समाधि मृत्यु की प्राप्ति होगी। और ऐसे भी देखें भगवान ने श्रावक के तीन मनोरथ बताए, तीन मनोरथ, उसमें तीसरा मनोरथ है कब आएगा वह धन्य दिवस जब अनशन आमरण करूंगा मैं। यानी सभी को मनोरथ जो व्यक्ति के रोज प्रार्थना करनी चाहिए, भावना भानी चाहिए, और सभी को भावना भानी चाहिए कि बिना अनशन के शरीर न त्यागूं। घर में भी एक माहौल बन जाना चाहिए, सबको बोल के रखना चाहिए जब भी मुझे कुछ हो जाए संथारा जरूर कराना। अब देखिए संथारे का बेनिफिट कितना है, भव सीमित हो जाता है, बहुत मिनिमम भव रह जाते हैं। और वैसे देखिए जहां तक संलेखना की बात है, तीन प्रकार का होता है, जघन्य
मध्यम और उत्कृष्ट तो जघन्य 6 मास का काल रहता है, मध्यम 1 वर्ष का काल होता है और उत्कृष्ट 12 वर्ष का काल। आनंद श्रावक 12 व्रती बना। 12 व्रती बनने के बाद उसने सम्यक्त्व की शुद्ध परिपालना की और उसके परिपालना के लिए विशेष रूप से 3 प्रकार के अभिग्रहों को स्वीकार किया, 3 संकल्प लिए। पहला संकल्प था, मैं अन्य तीर्थिक साधुओं के साथ आलाप संलाप नहीं करूंगा, उन्हें आहार आदि भी नहीं दूंगा। दूसरा संकल्प था, मैं अन्य तीर्थिक देवों को वंदन नमस्कार नहीं करूंगा। और तीसरा संकल्प था, मैं निर्ग्रंथ धर्म संघ से निकलकर अन्य धर्म संघों में प्रव्रजित उन मुनियों को न वंदन करूंगा, न नमस्कार करूंगा, न उनके साथ वार्तालाप करूंगा, न असन पान आदि दान दूंगा। उद्देश्य एक ही रहा कि जो मैंने व्रत लिए हैं कहीं दोष न लग जाए। एक प्रश्न होता है, व्यक्ति के भीतर दृढ़ता है तो कहीं भी क्यों न जाए, आपत्ति क्या है, दोष क्या है? इसका समाधान देखिए इस प्रकार दे सकते हैं, जिनके पास बार बार जाएंगे उन्हीं के धर्मावलंबी सोचेंगे हमारा यथार्थ है, अतः दूसरा धर्मावलंबी भी हमारी भक्ति कर रहा है, यानी उनके मिथ्यात्व को हम पुष्ट कर रहे हैं, तो उनके मिथ्यात्व के स्थिरीकरण होने की संभावना रहती है। दूसरी बात, बार बार मिलना, उठना, बैठना तो स्वयं अपने स्थान से व्यक्ति च्युत हो सकता है, उसे देखकर उसको जो मानने वाले हैं, चाहे उसके पारिवारिक जन हैं, चाहे मित्रगण हैं, चाहे अन्य कोई भी सदस्य हो सकते हैं, तो उन पर श्रद्धा रखने वाले दूसरे लोग भी जहां बार बार जाया जा रहा है उधर आकृष्ट हो सकते हैं। जहां तक दान की बात है, दान किसी को भी दिया जा सकता है, तो कोई अन्य तीर्थिक है उन्हें व्यवहार बुद्धि से दान देना व्रत के अतिचार में नहीं आता है, वह गृहस्थ है, घर सबके लिए खुला है और वैसे भी देखिए अतिथि का जहां तक बात है अतिथि का सत्कार तो होना ही चाहिए। आनंद ने संकल्प तो किया, साथ ही साथ 6 आगार भी रखे। आगार थे, एक राजा की आज्ञा का अपवाद रखा, भाई मैं ये संकल्प तो कर रहा हूँ फिर भी राजा का कुछ आदेश हो जाए, मैं आदेश का पालन करूंगा, व्रतों में दोष नहीं लगेगा, संकल्प में दोष नहीं लगेगा। दूसरा, कोई बड़ा समूह 3 अभिग्रह के विपरीत कुछ करने को कहे, जो मैंने 3 अभिग्रह लिया है तो उसका भी मैं आगार रखता हूँ। कोई शक्तिशाली अथवा प्रभावशाली का दबाव यदि रहता है तो भी आगार, देवताओं का दबाव रहता है तो भी आगार, माता पिता या गुरुजनों का दबाव होता है, आदेश होता है तो भी आगार, और आजीविका संबंधी कोई प्रतिकूल स्थिति आ जाए तो भी मैं आगार रखता हूँ। भगवान से संकल्प लिया, संकल्प लेकर भगवान को वंदन नमस्कार किया, अपने घर आया, खुद इतना प्रसन्न था, पत्नी को भी 12 व्रतों के बारे में बताया, भगवान के बारे में बताया। पत्नी का नाम था शिवानंदा। शिवानंदा को 12 व्रतों के बारे में बता करके उसको भगवान के पास लेकर आया। देखिए दलाली कितनी बड़ी बात है, स्वयं करना बड़ी बात नहीं, दलाली करना, दूसरों को भी प्रेरित करना। आया भगवान के पास शिवानंदा को लेकर के, शिवानंदा भी भगवान से 12 व्रतों को स्वीकार करती है। गौतम स्वामी ने भगवान के, गौतम स्वामी जो थे कौन, भगवान के 11 गणधरों में सबसे प्रथम गणधर थे, 14 पूर्वधर थे, लब्धिधारी थे, अवधि ज्ञानी थे, फिर भी छोटी छोटी चीज भगवान से जिज्ञासा करते थे। पूरा भगवती सूत्र जो सबसे विशाल आगम है, गौतम स्वामी के प्रश्न और भगवान के उत्तर हैं, प्रश्न भी कितने,
36,000 प्रश्न है। आनंद भग और शिवानंदा भगवान के दर्शन करके जब गए चले गए। आनंद जाने के बाद गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, वंदन नमस्कार किया और पूछा, भंते क्या आनंद श्रावक जो इतना त्याग बचकान किया है अभी, ये अगार धर्म से श्रावक धर्म से क्या साधु धर्म को स्वीकार करेगा? भगवान ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो लंबे समय तक श्रावक ही रहेगा, फिर श्रावक के 11 प्रतिमाओं को स्वीकार करेगा, अंतिम समय में 1 महीने का संधारा लेगा, फिर आलोचना आदि करके समाधि को प्राप्त कर आयु पूरा करके प्रथम देवलोक में 4 पल्योपम का आयुष्य वाला देव होगा। उन्होंने ये बात बताई। तो अब देखिए, आनंद जो श्रावक है वो श्रमणोपासक बन चुका है, 9 तत्वों को अच्छी तरह से जान चुका है, सत्य के प्रति आस्था बिल्कुल अविचल है, धर्म उसके अस्थि मज्जागत बन चुका है और पर्व तिथियों में भी पूर्ण पौषध करने वाला बन गया है, साधु संतों को श्रमण निर्ग्रंथों को शुद्ध दान देने वाला हो गया है। तो इस प्रकार आनंद जो श्रावक है, आनंद श्रावक शील व्रत गुण व्रत ये सारे प्रत्याख्यान पौषध द्वारा अपने आप को भावित कर रहा है। कितना समय बीता? 14 वर्ष बीत गया, 15वां वर्ष चल रहा है, रात्रि का प्रथम प्रहर आत्मचिंतन में डूबा हुआ है। सोचा, जब तक दायित्वों से बंधा रहूंगा तब तक धर्म में पूरा समय नहीं लगा पाऊंगा, अब मुझे दायित्वों से मुक्त हो जाना चाहिए। ऐसा चिंतन कर दूसरे दिन एक बड़ा भोज का आयोजन करता है, सबको आमंत्रित किया, परिवारजनों को कुटुंबियों को सबको आमंत्रित किया और सबके बीच अपने ज्येष्ठ पुत्र को सारा दायित्व उसने सौंप देता है। तो भगवान के पास जा करके 11 प्रतिमाओं को भी वो स्वीकार करता है। तो आनंद श्रावक 12 व्रतों को स्वीकार करने के बाद देखिए उसकी सोच की दृष्टि बदल गई, जीवन की दिशा बदल गई, वो आत्माभिमुख बन गया, काम और अर्थ की आसक्ति भी उसकी प्रगाढ़ नहीं रही और धर्म साधना में धर्म ध्यान में उसका आकर्षण बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। अब उसको प्रतिमा श्रावक की 11 प्रतिमाओं को लेने का संकल्प किया है, सोचा है। प्रतिमा का अर्थ क्या होता है? प्रतिमान यानी विशेष अभिग्रह द्रव्य क्षेत्र आदि के द्वारा जिस साधना विशेष का प्रतिमान किया जाता है, संकल्प या अभिग्रह किया जाता है, उसे प्रतिमा कहते हैं। आज भी कई श्रावक प्रतिमाओं को स्वीकार करते हैं, प्रतिमाधारी श्रावक बनते हैं। तो श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं और जिसको करने में लगभग 5.5 वर्ष लगता है। इस प्रकार है, देखिए, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पौषध प्रतिमा, काय उत्सर्ग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, सचित्त वर्जन प्रतिमा, आरंभ वर्जन प्रतिमा, प्रत्यारंभ वर्जन प्रतिमा, उद्दिष्ट भक्त वर्जन प्रतिमा और अंतिम है श्रमण भूत प्रतिमा। प्रथम प्रतिमा की अवधि 1 महीने की है, दूसरी प्रतिमा की अवधि 2 मास की, तीसरी प्रतिमा की अवधि 3 मास की। इस क्रम से प्रत्येक अग्रिम प्रतिमा की अवधि क्रमशः 1 मास अधिक होती चली जाती है। 11वीं श्रमण भूत प्रतिमा की अवधि 11 मास की है। तो इस प्रकार प्रतिमाओं की साधना में 5.5 वर्ष और कुल लगभग 66 महीना लग जाता है। अब प्रथम प्रतिमा का आधार क्या है, बेस क्या है, करना क्या होता है? सम्यक दर्शन है। दूसरी प्रतिमा का आधार 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत है। तीसरी प्रतिमा का आधार सामायिक और देशावकाशिक व्रत है। चौथी प्रतिमा में प्रतिपूर्ण पौषधोपवास करते हैं और बाकी सारे प्रतिमाओं में इन्हीं व्रतों का, जो 12 व्रत हैं, इनका उत्तरोत्तर विकास किया जाता है।
अब आनंद श्रावक भगवान से एक एक प्रतिमा को स्वीकार कर रहा है। तैयनम से आनंदे समणो वासे पढ़मम वासक पढ़िमम उवसंपज्जितानम विहरई। वो श्रमणोपासक आनंद पहली प्रतिमा को स्वीकार कर विहार कर रहा है। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा। देखिए दर्शन का अर्थ क्या है? सम्यक। इस प्रतिमा को स्वीकार करने वाला धर्म में पूरी आस्था सघन आस्था रखता है। किसी प्रकार का मन में कोई शंका नहीं, कांक्षा नहीं, इन सारे दोषों से रहित हो करके सम्यक दर्शन का विशुद्ध पालन करता है। समय जैसा कि एक महीना व्रत प्रतिमा में पांच अनुव्रत और तीन गुण व्रतों का विशेष आराधना करता है। अवधि दो मास सामायिक प्रतिमा में सामायिक व देशावकाशिक व्रत का विशेष आराधना करता है। औषध प्रतिमा में अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पौषध का पालन करता है चार मास की अवधि। और पांचवी कायोत्सर्ग प्रतिमा में रात में कायोत्सर्ग करता है। इस प्रतिमा का जो धारी होता है स्नान नहीं करता। इसका मतलब जिसमें जो बात कही जाती है उसके पूर्व वाले प्रतिमाओं में वो चीज कर सकता है, इसमें स्नान नहीं करता। और जो बात कही जाती है उसके आगे में सभी चीज वो कर सकता है, उसमें नहीं करेगा। स्नान नहीं करता है, रात्रि भोजन नहीं करता और दिन में ब्रह्मचारी रहता है, रात्रि में मैथुन का परिमाण करता है। समय पांच मास। अब छठी में आ जाता है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। इसमें ब्रह्मचर्य का पूर्ण प्रतिपालन करता है और सचित्त का भी इसमें त्याग होता है, स्वयं आरंभ समारंभ नहीं करता। प्रेष्य प्रतिमा नौकर चाकर आदि से आरंभ समारंभ नहीं करवाना। और दसवीं है उद्दिष्ट वर्जन प्रतिमा। वो इसमें साधु के तरह जैसे लगभग हो जाता है, बालों का मुंडन करता है या शिखा धारण करता है। किसी के द्वारा कुछ पूछने पर दो ही शब्द बोलता है, या जानता हूं या नहीं, इससे अधिक वो श्रावकों से किसी से भी बोलता नहीं है। ग्यारहवीं प्रतिमा नाम ही है श्रमण भूत प्रतिमा। इसमें पूरा साधु का वेश, बालों का भी मुंडन और भिक्षा के लिए गृहस्थ के घरों में जाता है। 11 मास का समय होता है, बालों का मुंडन या लोच भी कर सकता है और चलता भी कैसा है, क्रिया समिति आदि सारी चीजों का पूरा पालन करता है। ज्ञाति जनों से प्रेम संबंध उसका पूरा भीतर से विच्छिन्न नहीं होता। वह कहता और जा करके क्या कहता है, मैं प्रतिमा प्रतिपन्न श्रमणोपासक हूँ, उसको आप भिक्षा दो। भिक्षा के लिए वो कहीं भी जा सकता है और आगमन से पूर्व निष्पन्न भोजन ही उसे कलपता है। तो इसमें पूरी चर्या एक साधु की तरह हो जाती है। अतः इस प्रतिमा के धारक को श्रमण साधु को कहा जाता है, श्रमण। इस प्रतिमा का नाम है श्रमण भूत प्रतिमा। और जैसा कि एक बात अभी बात बताई, उत्तर वर्ती प्रतिमा में पूर्ववर्ती प्रतिमा का साधना क्रम जारी रहता है। अतः पूर्ववर्ती प्रतिमाओं में उत्तरवर्ती प्रतिमाओं का जो प्रतिमाओं की जो साधना है वो विशिष्ट से विशिष्टतर होती चली जाती है। तो 11वीं प्रतिमा में तो ऐसा जैसे एकदम साधनामय बन जाता है। तो श्रावक के धर्म जागरणा के प्रयोगों में प्रतिमा की साधना का एक विशिष्ट स्थान है। आनंद श्रावक ने इन 11 प्रतिमाओं को भगवान से स्वीकार करता है, सम्यक उसकी आराधना करता है और इस प्रकार प्रतिपूर्ण पालन में, पूरे पालन में जैसा कि बताया 5.5 वर्ष लगता है। अब वो उसके पश्चात अपश्चिम मारणांतिक संलेखना करता है। और देखिए जहां तक प्रतिमाओं की बात है, प्रतिमाएं ऐसा नहीं कि एक ही बार किया जाता है, प्रतिमाएं जीवन में अनेक बार भी स्वीकार की जा सकती है, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। आनंद श्रावक ने एक ही बार अंतिम समय में बस 5.5 वर्ष किया था उसने। अब प्रतिमाओं को उसने अंतिम समय में स्वीकार किया था और उसके दौरान वो जब धर्म ध्यान में लगा हुआ था,
मन में विकल्प आया, मेरा शरीर पूरा सूख गया है, रूप वृक्ष बन गया है, कंकाल मात्र रह गया हूं। इतना ही नहीं, उठते बैठते शरीर से किटकिट, हड्डियों से किटकिट शब्द की आवाज आ रही है। धमनियां, पूरा शरीर मानो कोई धमनियों का जाल मात्र रह गया है। लेकिन शरीर भले मेरा ऐसा हुआ है, अब मेरे भीतर मुझ में उत्थान है, कर्म है, बल है, वीर्य है, पुरस्कार है, पराक्रम है, श्रद्धा है, धृति है, संवेग है। और सबसे बड़ी बात, भगवान का सुयोग भी है। भगवान गौतम स्वामी को बार बार कहते थे, समयम गोयम मापमाये, मैं हूं तब तक जो करना है तुम कर लो। आनंद श्रावक भी सोच रहा है, भगवान का सहज संयोग है, अच्छा है भगवान से ही संग लेखना स्वीकार कर लूं। और आनंद ने सूर्योदय के साथ ही इस चिंतन और संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए तत्पर हो गया। अपश्चिम मारणांतिक संलेखना की आराधना में वो लीन हो गया, जिनमें ये 9 गुण होते हैं, वो अनशन को सफलता पूर्वक संपन्न कर सकता है। 9 गुण कौन कौन से, ये जो बात बताई, उत्थान, उठने बैठने की शक्ति हो, कर्म, धर्म में प्रवृत्ति, धर्म की प्रवृत्ति में व्यक्ति के भीतर उत्साह हो, बल, शारीरिक शक्ति हो, वीर्य, आत्म शक्ति हो, पुरस्कार, मैं ऐसा कर सकता हूँ ऐसी धारणा हो, और पराक्रम, लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाने वाला जो श्रम है वो पराक्रम, श्रद्धा, दृढ़ आस्था का होना, धृति, कष्ट सहिष्णुता या कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें अविचलन का भाव, धैर्य। तो आनंद ने अंतिम समय में स्वयं ही अनशन स्वीकार करता है। सभी को पता है 2 प्रकार का अनशन होता है, संथारा होता है, एक अपन बोलते हैं सागारी संथारा और दूसरा आजीवन संथारा। सागारी संथारा हमारे बहुत सारे श्रावक भाई बहन करते हैं, तो जीवन के देखिए विकट परिस्थितियों में व्यक्ति सागारी संथारा करता है। विकल्प के साथ किया जाने वाला जो अनशन या संथारा है उसको हम सागारी संथारा कहते हैं। और अनेक हमारे भाई बहन रात को सोते समय भी इसका पचकान करते हैं और वो इस प्रकार कहते हैं, निद्रा काल में कोई इस प्रकार वो किया जाता है, निद्रा काल में कोई उपद्रव हो जाए, तीव्र असात वेदनी कर्म के उदय से प्राणांत की स्थिति आ जाए, अकस्मात मरण हो जाए, तो मेरा शरीर संबंधी मोह ममत्व, चारों आहार तथा 18 पाप, 18 पापों का प्रत्याख्यान है, और यदि सुख शांति पूर्वक रात्रि व्यतीत होती है तो मैं इन प्रत्याख्यानों से मुक्त हूँ, बंधा हुआ नहीं हूँ। एक श्लोक भी बोलते हैं, आहार शरीर उपधि, पचकों पाप 18, मरण पाऊं तो वो सिरे, जीऊं तो आगार। आहार का पचकान, शरीर के ममत्व का पचकान, उपधि जो भी वस्त्र पात्र उपकरण आदि हैं, और पाप 18, इन सब का, मरण पाऊं तो वो सिरे, एक समय सीमा कर दी गई सूरज उगने तक, जो भी समय सीमा, यदि इस बीच यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया तो मेरा ये सब चीज का त्याग है, और सूर्योदय तक यदि जीवित रहा तो मेरा उन सब चीजों का आगार है। ये हुआ सागारी संथारा। जीवों तो आगार, विकल्पों के साथ हो गया, निश्चित अवधि तक होता है, इतने समय तक। भगवान से पूछा गया, भंते, अनशन से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान ने देखिए जो जवाब दिया, अनेक सैकड़ों जन्म मरणों का निरोध कर देता है, भवों को कम कर देता है। एक लक्ष्य सभी का बन जाना चाहिए, बिना संतारा के जाना नहीं, कुछ भी हो जाए, बिना माहौल बनाए ध्यान रखें, कभी भी ऐसा होता नहीं है, बिना मानसिक संकल्प के होता नहीं है, बार बार उसका चिंतन हो। तो आहार की आसक्ति और आहार, इन दोनों का केवल स्थूल देह का ही नहीं, देखिए
अभी तो ये आसक्ति का त्याग इसमें किया जाता है तो हमारे जो कर्मों का बंधन है वो शिथिल हो जाते हैं और जन्म मरण की परंपरा हमारी बहुत अल्प हो जाती है। तो अनशन में भी बहुत सारे चमत्कार की घटनाएं भी घटती है। अनेक लोगों को पूर्वाभास भी हो जाता है, पूर्वाभास मेरा आयुष्य इतना ही दिन शेष है या मर करके कहां मैं जाऊंगा, भविष्य का भी हो जाता है, ये भी आभास हो जाता है। आनंद श्रावक संथारा संलेखना का संकल्प किया है, कर भी लिया, अब वो धर्म जागरणा में एकदम निष्ठा के साथ धर्म ध्यान कर रहा है, अनशन चालू है, अध्यवसाय उसके बिल्कुल शुद्ध है, परिणाम शुद्ध है, लेस्याय शुद्ध है और साथ ही साथ ज्ञानावरणी कर्म का प्रबल क्षोभसम होता है। उस स्थिति में उसे अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। अवधि ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादाएं होती है, लेकिन जहां तक आनंद के अवधि ज्ञान की बात है केवल क्षेत्रगत मर्यादा का ही उपासक दशा में उल्लेख हुआ है। गणधर गौतम स्वामी आनंद श्रावक को दर्शन देने के लिए पधारते हैं। अब वाणिज्य ग्राम में जब भगवान आए, चर्चा सुनी, गौतम स्वामी गए, गौतम स्वामी को जैसे ही आनंद देखता है इतना प्रसन्न हुआ, उसने गौतम स्वामी से निवेदन किया, भंते मैं आपके पास आने में असमर्थ हूं, अतः आप कृपा कराएं मेरे पास पधारे ताकि मैं 3 बार आपको मस्तक झुकाकर वंदना कर सकूं। गौतम स्वामी आनंद के निकट आए, आनंद 3 बार मस्तक झुका करके गौतम स्वामी को वंदना करता है। वंदना करके पूछा, भंते क्या गृहवास में रहते हुए गृहस्थ को अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है? गौतम स्वामी ने कहा, हाँ होता है। आनंद ने कहा, भंते मुझे अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है, मैं पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में लवण समुद्र के 500 योजन तक के क्षेत्र को जानने देखने लगा हूँ, उत्तर दिशा में चुल्ल हिमवंत वर्षधर पर्वत तक जानने देखने लगा हूँ और ऊर्ध दिशा में सौधर्म कल्प तक और अधो दिशा में पहले नरक के लोलुपाच्युत नरकावास तक का क्षेत्र जानने देखने लगा हूँ। गौतम स्वामी ने कहा, आनंद अवधि ज्ञान तो श्रावक को हो सकता है, लेकिन तुम जितना बता रहे हो इतना बड़ा अवधि ज्ञान गृहस्थ को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए हे आनंद तुम अपने इस मिथ्या कथन की का आलोचना करो, प्रायश्चित करो। आनंद ने नम्रता पूर्वक कहा, क्या जिन शासन में सत्य कथन के लिए भी प्रायश्चित का विधान है? यदि नहीं है तो आप अपने कथन के लिए प्रायश्चित ले। जैसे ही गौतम आनंद ने इतनी दृढ़ता के साथ निश्चित भाषा में बात कही, गौतम स्वामी संदिग्ध हो गए, भगवान के पास गए और पूछा, भंते आनंद ने जो कहा वह अयथार्थ है या मैंने जो कहा वह अयथार्थ है? प्रायश्चित मुझे करना चाहिए या आनंद को करना चाहिए? एक तो असत्य है ही। भगवान ने कहा, आनंद का कथन, हे गौतम आनंद का कथन यथार्थ है, इसलिए तुम प्रायश्चित करो। क्षमा याचना भूल की होती है, देखिए उसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, त्रुटि प्रधान होती है। त्रुटि भूल बड़े से भी हो सकती है और छोटे से भी हो सकती है। जो भूल करता है वही प्रायश्चित का भागी बनता है। कितनी बड़ी बात, गौतम स्वामी जैसे ज्ञानी को भगवान एक गृहस्थ से क्षमा याचना के लिए भेजते हैं। बेले बेले की तपस्या करते थे, पारणा का दिन था, भगवान ने ये नहीं कहा पहले पारणा कर लो, कहा जाओ आनंद से पहले क्षमा याचना करो, भेजा गौतम स्वामी को। तो प्रथम अध्ययन के अंतिम सूत्र में गौतम स्वामी अब भगवान से पूछ रहे हैं, जाकर के गौतम स्वामी कामना करते हैं,
अब गौतम स्वामी भगवान से पूछ रहे हैं, भंते आनंद श्रावक यहां से देव गति में जाएगा ये तो निश्चित है, और वहां का आयु क्षय भव क्षय और स्थिति क्षय, देखिए तीन शब्द का प्रयोग किया है। आयु क्षय, आयु जितना भी आयु से चार पल्लियोपम का देव वाला जो आयु होने वाला है वो आयु क्षय हो जाएगा, भव देव योनि का भव क्षय, और जितनी स्थिति है वो स्थिति क्षय के बाद कहाँ जाएगा। भगवान ने कहा आनंद देव गति पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा, और वहां पर साधना करके उसी भाव में वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा और सारे दुखों का अंत करेगा। तो आनंद ने श्रमणोपासक बनकर जो साधना की उसका परिणाम देखिए कितना भाव, केवल तीन भाव, सांसारिक बंधनों से मुक्ति, अव्याबाध सुख की उपलब्धि। साधना कितनी है? मात्र 20 वर्ष की साधना, और भावों को सीमित कर लिया। जिस भाव में था आनंद श्रावक का भाव मर करके देवगति में, और बस वहां से सीधा महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न। ऐसे देखें दो ही भाव, और जिस भाव में है उसको छोड़ दे तो आनंद की जीवन यात्रा कैसी है? तलहटी से शिखर की यात्रा है। तो गृहस्थ में रहते हुए एक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए, इसका उदाहरण आनंद श्रावक का जीवन चरित्र है, बड़ा ही मार्मिक है। तो त्याग का कितना महत्व होता है इसका हम इस आनंद श्रावक के जीवन से हमने सबने जाना सुना। तो आज हमने जो चर्चा की है 58 पेज से लेकर के 81 पेज तक की चर्चा की है, और सूत्रों से हम चले तो 44 सूत्र से 85 सूत्र तक, यानी इस अध्ययन के अंतिम तक हमने आज इसकी चर्चा की है। तो इस प्रकार ये अध्ययन आज हमारा समाप्त तो होता है, और जैसा कि सभी को पता है इसमें 10 अध्ययन है, 10 श्रावकों का 10 अध्ययन, जीवन लगभग 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 सब समान है। तो आज हमारा ये प्रथम अध्ययन यहीं पर समाप्त तो होता है। ओम अरहम, आगे की अध्ययन की चर्चा हम आगे करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। शमी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। शमी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। बहुत ही सुंदर तरीके से आज आनंद श्रावक की 11 प्रतिमाओं के बारे में हमें जानकारी दी, और किस तरह एक श्रावक को, जो श्रावक के 3 मनोरथ है कि संथारा सहित हम अपनी देह का त्याग करें, उसकी इम्पोर्टेंस को बताया। तो हम सब भी इससे प्रेरणा लें। मुंबई महिला मंडल शमनी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता है। अब मेरा निवेदन शमनी जी से मंगल पाठ के लिए। एक रचना जी, वो किसी का जो प्रश्न आया था माँ परिबंधम करो, तो परिबंधम मतलब विलंब मत करो। भगवान का एक टेक्निक था, जो भी कुछ कोई पूछता था तो भगवान एक तो यथा जहां सुहम, जैसी तुम्हारी इच्छा, और दूसरी बात माँ परिबंधम विलंब मत करो। तो परिबंधम का जो अर्थ पूछा गया था विलंब मत करो। हाँ, मंगल पाठ। सत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। सत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धमो लोगोत्तमो। सत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहं।